अब आपको बताएं कि हम सब ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लेबॉरेटरीज में बहुत सारे तजुर्बात किए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने की होंगी जिनका हमें शौक भी रहा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि लेबॉरेटरी में इस्तेमाल होने वाले आलात कहाँ से, किस क्वालिटी के और कितनी कीमत में मिलते हैं? या फिर आपको ये पता है कि पाकिस्तान मेड और जो इम्पोर्टेड आलात हैं उनमें क्या फ़र्क है कि जो पाकिस्तान में बनते हैं जो बाहर से आते हैं? यकीनन कोई ना कोई फ़र्क होता ज़रूर होगा। अब ये क्यूरियोसिटी थी मेरे को एंकर फराज को और वो निकल गए एक वेयर हाउस में। वो गए, क्या देखा उन्होंने वहाँ पर, आ जाए आपको दिखाते हैं। तो जनाब ये कॉनिकल फ्लॉस और ये एक अच्छी सी प्यारी सी टेस्ट ट्यूब मेरे हाथ में है और इसके अलावा बहुत सारा लेबॉरेटरी इक्विपमेंट मेरे चारों तरफ आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, जिसे देखकर स्टूडेंट्स को अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ याद आ गई होंगी। तो मेरी तरह वो लोग जो कि पास आउट हो चुके हैं, काफ़ी ज़माना पहले हो चुके हैं, उनको अपना स्टूडेंट लाइफ का जो ज़माना है वो याद आ गया होगा। तो आज हम एक वेयर हाउस में मौजूद हैं जहाँ लेबॉरेटरीज से मुतालिक जो इक्विपमेंट है या तो बनाया जाता है या फिर इम्पोर्ट किया जाता है और फिर मुल्क भर के दीगर हिस्सों में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पहुंचाया जाता है। तो इस वेयर हाउस के जो ओनर हैं हाफिज मोहम्मद उमैर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या कुछ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमैर आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा उमैर, ये बताइए कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तमाम जो ये रेंज है ये सिर्फ स्कूल कॉलेजेस के लिए है या फिर इसके अलावा दीगर जो शोभा जाते हैं वहाँ पर भी ये ऑपरेटर्स जो आप लोग फराहम करते हैं? ये दीगर में भी इस्तेमाल होता है, स्कूल, कॉलेज, लैब हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, हॉस्पिटल हो गए, इसी तरीके से फिर फैक्ट्रीज लाइन हो गई, उनकी लैब होती है, उसके हवाले से तमाम कलर्स वगैरह की मिक्सिंग के लिए फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं। जी ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें लोकल मैन्युफैक्चरिंग है या फिर इम्पोर्ट की जाती हैं या फिर ज़्यादातर तादाद जो है इनमें से इम्पोर्टेड चीज़ों की? ज़्यादातर तादाद इसके अंदर इम्पोर्टेड चीज़ें। अच्छा इसकी क्या वजह है, पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं बनाई जा रही? बनाई जाती हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं बन रही जो जिससे बननी चाहिए। ठीक है, यानी ये इम्पोर्टेड आइटम है? ये इम्पोर्टेड आइटम है। ठीक है, और इसकी क्वालिटी मुझे नज़र आ रहा है बहुत अच्छी है, ये पाकिस्तानी मेड में भी आता है यानी लोकल में भी आती है? लोकल मेड में नहीं आती है। आती ही नहीं ये अभी तक लोकल मेड में, हमारे यहाँ इसकी बनाई नहीं गई। खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम आ क्यों नहीं पा रहे हैं? अब हमारे यहाँ इतना यूजेबल है नहीं कि प्रैक्टिकल हमारे ऐसे नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे चले हों। अब हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ये होता है कि जब पेपर हुए उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे, सिर्फ साल में एक दफ़ा बच्चे को खड़ा कर दिया कि आपने प्रैक्टिकल करना है, स्कूल वालों ने खुद ने नंबर देने, उसके अंदर प्रैक्टिकल जो है सिर्फ नाम के। यानी इसका मतलब है कि इन चीज़ों की डिमांड उस लेवल पर नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आया जाए, इंडस्ट्रीज इसकी लगाई जाए। जी अच्छा, इसके अलावा ये मेरे ख्याल में फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं। जी जैसे ये बीकर्स हैं, ये तमाम टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये मेरे ख्याल में हीटर है, हीट के लिए यूज़ किया जाता है ये। जी ये गर्म करने के लिए केमिकल जो भी होता है इसके अंदर, गैस का जब कनेक्शन करेंगे ये हीट करेगा, कुछ भी केमिकल हमें बॉयल करने होते हैं ये बॉयल करने के यूज़ में। ठीक है अच्छा, इसके अलावा ये जो पार्ट ऑफ बॉडीज हमें नज़र आ रहे हैं पीछे, ये तमाम चीज़ें ये बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल्स में यूज़ होती हैं? ये बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में यूज़। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्कोप है क्या ये भी इम्पोर्टेड ही है या पाकिस्तान में माइक्रोस्कोप बनाई जा रही है? नहीं पाकिस्तान में अभी तक नहीं बनाई गई, ये इम्पोर्टेड है। अच्छा ये एक भाई साहब यहाँ बैठे हैं, ये कौन है और ये क्या है, ज़रा इसका भी बता दें हमें, ये बायोलॉजी से इनका ताल्लुक है यकीनन? ये स्कल है, ये मेडिकल के स्टूडेंट के यूज़ के लिए होते हैं क्योंकि इसका ऊपर का टॉप जो है ये ओपन हो जाता है। अच्छा ये ओपन हो जाता है, अगर हम ओपन करें जी तो इनका दिमाग खाली है कहा जा सकता है कि इनका दिमाग खाली है। खैर अच्छा, आपने बताया कि ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि ये वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होगा जो कि इंसानी खोपड़ी के अंदर का होता है? बिल्कुल ये है। तो ये सारी चीज़ें जब आप मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि इंसानी जो स्ट्रक्चर है सर से पैर तक और भी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो अंदर ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। हमें यहाँ पर एक लेग नज़र आ रही है जिसमें हमें मसल्स नज़र आ रहे हैं। मेहर साहब अगर आप ये लेग हमें दिखा दें तो कमाल हो जाएगा। ओके सो वी हैव अ लेग इंक्लूडिंग थाइज एंड काफ, और ये जो रेड है ये इंडिकेट कर रहा है मसल्स को, इसके ये पार्ट्स भी इस तरीके से ओपन अच्छा, करके अच्छा 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 ये जो जोड़ होते हैं ये तमाम दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके तमाम तर जो पार्ट्स हैं इनको हम अलग अलग करके स्टडी कर सकते हैं। तो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के ऑपरेटर्स हर मेडिकल कॉलेज और जो क्या कहना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये तमाम तरह ऑपरेटर्स मौजूद होता है, सप्लाई किया जाता है। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं कि किस तरह से इंसानी बॉडी काम करती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तमाम तर जो मसल्स हैं ये जो हमें नज़र आ रहे हैं
इनको सेपरेट करके, हर मसल का अलग एक नाम होता है, वो तमाम तर चीज़ें जो है बताई जाती हैं। ठीक, अच्छा एक ये हमें डमी नज़र आ रही है, थोड़ा सा ये भी अगर आप ब्रीफ करें, ये डमी क्या है? ये बेसिक डमी कहलाती है, CPR डमी। CPR डमी, ओके। CPR डमी होती है हाफ बॉडी, जब जैसे नर्सिंग के जो स्टूडेंट होते हैं ये उनके लिए होती है। इसको ये पंपिंग करते हैं, पंपिंग के बाद दिखाया सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप बॉडी को पंप करेंगे। ठीक ठीक, यानी कि कभी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर CPR एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर कोई अगर बेहोश हो जाए, कोई ऐसा इशू हो जाए, तो किस तरह से बॉडी को पंप किया जाता है, इस डमी के ज़रिए फिर स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है। अच्छा उमर, इसके अलावा ये बताइए कि आपने बताया कि ज़्यादातर जो आपका सामान है वो इम्पोर्ट होता है, लेकिन आपकी कुछ चीज़ें अपनी मैन्युफैक्चरिंग ही है। जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो आलमी स्टैंडर्ड की क्वालिटी के मुताबिक हैं? उसकी जो क्वालिटी है वो मैच कर रही है दुनिया जहान में बनने वाले दीगर ऑपरेटर्स को? जी, बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने बड़ी डिटेल में हमें तमाम तर यहाँ की चीज़ों के हवाले से बताया। तो इस जगह पर मौजूद ये तमाम तर जो इक्विपमेंट्स हैं, लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल के जो इक्विपमेंट्स हैं, इसको देखकर मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ का जो दौर है वो याद आ गया। तो मेरा दिल कर रहा है तो थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पर देखूँ, एक्सप्लोर करूँ कि क्या कुछ है। माइक्रोस्कोप यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में मेडिकल से भी ताल्लुक़ रहा है, तो उस ज़माने में तो पता था किस तरह से यूज़ करते हैं, आज मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग चलिए स्टूडियोज़ की जानिब, मैं थोड़ा सा इस ऑपरेटर्स को मज़ीद चेक कर लेता हूँ।